हाँ जी रजे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे योर इनकम टैक्स टॉपिक इज बेसिस ऑफ चार्ज। बिफोर रीडिंग द चैप्टर यू हैव टू नो अबाउट बेसिस ऑफ चार्ज। तो रजे, बेसिस ऑफ चार्ज होंदा की है कि जिस बिहाफ के उत्ते जो टैक्स है तो लेवी किया जाता, टैक्स है जो लगता है, ठीक है। क्योंकि जदों आप बेसिस की गल करते हैं तो अपने कोल की है रजे, दो कैटागरीज होंदिया ने गियाँ, ठीक है। पहली कैटागरी होंगी है रजे अपने कोल सोर्स ऑफ इनकम, के सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ के उत्ते टैक्स लगता है। तो दूसरा होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब कि रेजिडेंशियल स्टेटस की होंगे कि एक परसन किसी पर्टिकुलर कंट्री दे विच कितना टाइम रहा है, ठीक है। तो जिवें हुण आपां इनकम टैक्स की बेसिक जो कंडीशन है उसकी गल करते हैं तो उस दे विच की होंगे रजे कि आपां एक साल दे विच घट्टो घट 182 दिन जिहड़े इंडिया दे विच रहे होने चाहिए। मतलब ये लगा लो अप्रोक्सीमेट 6 मंथ है जिहड़ा टाइम पीरियड है कि इन्ना टाइम एक परसन की है इंडिया दे विच रहा होना चाहिए, फिर ही उस परसन नू रेजिडेंट मन्या जाऊगा। तो जिहड़ा परसन रेजिडेंट मन्या जाऊगा उस परसन की चाहे इंडिया की इनकम है चाहे फॉरन की इनकम है, उस दे उत्ते टैक्स है जिहड़ा वो लगेगा। तो हुण इस तो इलावा आपां जे मेनली इहनू दो कैटागरीज दे विच डिवाइड करिए, एक हो गए रेजिडेंट इंडियनस ते दूसरे हो गए नॉन रेजिडेंट परसनस। तो जिहड़ा रेजिडेंट परसन होगा जिहड़े ने मतलब एक साल दे विच 182 दिन पूरे कर ले, बाकी इस दे नाल कुछ होर भी कंडीशनस हुंदियां ने जिहड़ियां आपां नाल नाल पढ़ांगे। तो जेकर उस परसन ने उन्ना टाइम पीरियड पूरा कर लिया तो रेजिडेंट बन जूगा। तो रेजिडेंट ते नॉन रेजिडेंट परसन दे विच डिफरेंस की हुंदा रजे, जिहड़ा रेजिडेंट परसन होगा वो अपनी सारी इनकम के उत्ते टैक्स पे करता हुंदा, फिर चाहे उन्हें इंडिया च अर्न की है फिर चाहे उन्हें वो फॉरन दे विच अर्न की है। तो जदों आप गल करते हैं एक NRI परसन की नॉन रेजिडेंट इंडियन परसन की, तो जिहड़े नॉन रेजिडेंट परसन होंगे रजे वो अपनी सिर्फ इंडिया की इनकम के उत्ते टैक्स भरनगे, वो अपनी फॉरन की इनकम के उत्ते टैक्स नहीं भरनगे। जिहड़ी उन्हां दी फॉरन की इनकम है वह किसी फॉरन जिथों कंट्री दे विच रिसाइड करते हैं जिथों रहिंदे आ उस कंट्री के अंडर अपनी जो इनकम है वो असैस करवाणगे। तो उस तो बाद रजे गल करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ने गे रेजिडेंशियल स्टेटस के नाल रिलेटेड ने। सब तो पहला यह रेजिडेंशियल स्टेटस इन प्रीवियस ईयर, जिस तरह आप पिछे भी पढ़ चुके हैं रजे कि जो अपना इनकम टैक्स है वह की है असैसमेंट ईयर के लेवी करते हैं ऑन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल की अपनी इनकम होगी, है ना। तो सेम ही केस ये है कि जेकर हुण आपां इनकम है जो वो पिछले साल की लै रहे हैं, दैट मीनस आपां नूं की है टाइम पीरियड भी उही लैना पवेगा। टाइम पीरियड मीनस कि पिछले साल का रेजिडेंशियल स्टेटस है जिहड़ा वो चैक किया जाता है कि पिछले साल वह परसन इंडिया दे विच किन्ना टाइम है जिहड़ा वो रहा। तो उस तो बाद आता रहे जे ड्यूटी ऑफ असैसी, तो कहिंदे जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसनू जिन्ने भी डॉक्यूमेंट्स ने कोई एविडेंसिज ने, ठीक है, जो कोई होर प्रूफ्स ने वो सारे जिहड़े एविडेंसिज होणगे उन्हां नू सप्लाई करन दी जो जिम्मेवारी वो असैसी दी होगी। इट मीनस जेकर आपां ने कोई डिडक्शन क्लेम करनी है, आपां कोई एग्जम्पशन लैनी है, आपां कुछ होर जो जो अमेनिटी है लैनी है टैक्स डिपार्टमेंट तो उस दे रिगार्डिंग जिन्ने भी डॉक्यूमेंट्स होणगे वो एक असैसी दी अपनी परसनल जिम्मेवारी होगी कि वो उन्हां सारे डॉक्यूमेंट्स नू होगी करवाऊगा, सबमिट करवाऊगा। थर्ड पॉइंट है रजे, ड्यूअल रेजिडेंशियल स्टेटस इज पॉसिबल, कि दो कंट्रीज़ का रेजिडेंट हो सकता एक परसन सेम टाइम, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के रूल अलग अलग होंगे ने, ठीक है। जेकर आप 182 दिन वाला रूल भी थोड़ा लैके चलीए तो हूँ पूरे साल 365 दिन होंगे ने, जेकर वो 182 दिन अपनी कंट्री लगा दें 183 दिन किसी होर कंट्री दे विच लगा देता है तो भी अपन रेजिडेंट तो दोवें पास मनना पेगा, ठीक है जी। तो इस पॉइंट तो की गल क्लीयर है कि जो रेजिडेंसी है वह दोवें ही कंट्रीज़ के पॉसीबल हो सकती है, मतलब ड्यूअल रेजिडेंसी पॉसीबल हो सकती है। उस तो बाद अगर अजे डिटरमीनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आप की है रजे दो कैटागरीज मेनली डिवाइड करते हैं, जेडे तो होंगे ने रजे अपने एक नॉर्मल इंडिविजुअल तो HUFs, उन्हों का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा तीन टाइप्स का होंगे, ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट। इस तो इलावा बाकी होर भी जिन्या कैटेगरीज होणगे एक परसनस दियाँ, उन्हां दा रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ दो तरह का होगा, एक रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। तो जदों आप गल करते रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल जिहड़ा स्टेटस है एक नॉर्मल परसन का जिहड़ा रेजिडेंशियल स्टेटस है तीन टाइप्स का होंगे, तो पहला होंगे रजे ऑर्डनरी रेजिडेंट, दूसरा होंगे नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, तीसरा होंगे नॉन रेजिडेंट।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 365 ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 182 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 365 ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 182 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 365 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 182 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 365 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੇ ਕਿੰਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਕਿੰਨੇ, ਚੌਥਾ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ 182 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 730 ਡੇਜ਼ ਇਨ 7 ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਹ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰ 182 ਡੇਜ਼ ਔਰ ਮੋਰ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੋਰ 365 ਡੇਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ 4 ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਟ ਨੋਟ ਆਰਡਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਆਰਡਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੀਆਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ 9 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ 729 ਡੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 729 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 729 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਆਰਡਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ 730 ਡੇਜ਼ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ 730 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟ ਆਰਡਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸਟੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 182 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 182 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3rd ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਟੇ ਨੀਡ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਐਟ 1 ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਜੈਕਟ ਆਫ ਸਟੇ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਟੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਸਟੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਲੀਵ ਕੀਤਾ,
ठीक है, जिवें मन लो जेकर वह परसन की है जदों इस अपनी कंट्री दे विचों जा रहे हैं तो जदों कंट्री दे विचों आ रहे हैं तो दोवें ही जिहड़ी डेट्स ने गिया वह आपां की हैगा काउंट करांगे, ठीक है, कि इंडिया दे विच रही है। तो इस तों इलावा जेकर कोई परसन की है मान लो अद्धे क दिन आता है ना, जिवें शाम को 5 बजे आ गया, तो यहो जे केसिस दे विच आरली बेसिस दे उत्ते भी आपां उसकी जो कैलकुलेशन है वह करते हैं घंटिया के बेस के उत्ते, ठीक है। तो उस तो बाद जिवें तो एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दिती हुई है, बिल्कुल सिंपल ने इस इलस्ट्रेशन ने जो, ठीक है, कहिंदे कोई परसन है वो इंडिया नू लीव करदा 31 मई 2009 एंड कम्स बैक 15 मई 2012। जिस डेट नू वो लीव किया 31 मई नू किया तो 31 मई अपना जो फाइनेंशियल ईयर एंड कितने होंगे मार्च से अप्रैल मई 2 मंथ हो गए रजे 61 डेज हो गए है ना, 30 डेज होते हो गए 31 अगले मंथ के हो गए। उस तो बाद वो दोबारा आंदा 15 मई 2012 मतलब कि 3 साल बाद। हुण इहदे विच तुसीं उदों तक का पीरियड देख सकते हो, तो इहदे विच जस्ट की है कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हुंदा उस तो बाद वाला पीरियड तुसीं ने कैलकुलेट करना है। तो इस तरह उसके डे कैलकुलेट करने ने कि एक परसन किन्ने डेज तक रहा है, जेकर वो डेज किस कंडीशन में सैटिस्फाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उस परसन की जो असैसमेंट है वह करते हैं। उस तो बाद रजे जो सैकेंड आता है अपने कोल आता रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो HUF की होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होंगे सेम एज परसन होंगे, आप तीन टाइप्स के नाल इन्हें कह सकते हैं। तो ऑर्डनरी रेजिडेंट की होगा रजे जो एक कंपनी का जो सारे का सारा कंट्रोल है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट है वह की है इंडिया दे विच हो, ठीक है। तो जो आप गल करते हैं कि उसकी जो मैनेजमेंट है है ना, तो जो उसका सारा कंट्रोल है कि वह कॉन्टीन्यूसली इको ही मैनेजमेंट के अंडर रहे, तो वह मैनेजमेंट है जो वो इंडिया नू बिलोंग करती होगी। तो जिहड़ा दूसरा केस आता है अपने कोल नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट वाला, तो उस दे विच आपां देखते हैं करता का स्टेटस। तो जेकर उसका करता है की है रेजिडेंट है वह ही 10 साल के 9 साल वाली कंडीशन आ गई अपनी, तो 7 साल के 730 डेज वाली कंडीशन आ गई। तो एक परसन के नाल भी मैच करके आप जो HUF दी कंडीशन ने उन्होंने देख सकते हैं, क्योंकि जो HUF की असैसमेंट होंगी है जिवें तुहानू पता ही है कि वह सारी किहदे उत्ते होंगी है, करता दे उत्ते होंगी है। सो करता का रेजिडेंशियल स्टेटस इंपोर्टेंट है। थर्ड है रजे नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट की होगा नॉन रेजिडेंट HUF उस केस के होगी जदों इसकी सारी की सारी मैनेजमेंट की होगी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया तो बाहर है। तो उस तो बाद आते रहे ऑल अदर परसनस, बाकी होर जिन्हें भी परसनस रह गए, फॉर्म रह गई AOPs हो गई, BOIs हो गई, ठीक है, अपन तो इस तो इलावा जो भी अपन होर कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, उन्होंने जोड़े रेजिडेंशियल स्टेटस ने वो दो तरह के होंगे ने, एक तो होंगे ने रेजिडेंट तो दूसरे होंगे ने नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कदों होंगे जदों उन्हों का सारा कंट्रोल तो मैनेजमेंट की है इंडिया की है, ठीक है, इंडिया के सारा कंट्रोल है उन्होंने हो रहा है। तो जदों इन्हों का कंट्रोल की है आउटसाइड होंगे तो वह की बन जूगा नॉन रेजिडेंट बन जूगा। उस तो बाद गल करते हैं रजे आप जो अपना स्कोप है इसका, ठीक है, जो आप टैक्स का इंसीडेंस है जो लगाना है तो उसके अंदर की होंगे रजे एक रेजिडेंट की जरा एक जो रेजिडेंट परसन है उसकी इनकम का स्कोप की होगा इंडिया इनकम, इंडियन इनकम प्लस फॉरन इनकम। ये आप भी गल कर चुके हैं कि जो एक रेजिडेंट परसन होगा उसकी दोवें तरह की इनकम के उत्ते टैक्स लगेगा, फिर चाहे उन्हें इंडिया के अर्न की है फिर चाहे उन्हें फॉरन के अर्न की है, कितों भी वह इनकम अर्न कर रहे हैं जेकर वह परसन रेजिडेंट है तो वह दोवें ही तरह दनकम्स ने गिया उन्होंने उत्ते टैक्स है जोड़ा वो पे करेगा। तो सैकेंड आंदा रजे स्कोप ऑफ नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट की करता रजे इंडिया की इनकम पूरी, तो एक वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरन इनकम जिहड़ी फॉरन की जिहड़ी इनकम इंडिया की इनकम के नाल रिलेट करती है सिर्फ वह इनकम इस एड होगी, अदरवाइज़ होर कोई भी फॉरन की इनकम है जी इस एड नहीं होगी। तो जी तीसरी कैटागरी आती है अपनी नॉन रेजिडेंट की, तो उस होगा रजे एक परसन की सिर्फ इंडियन इनकम के उत्ते ही टैक्स है जोड़ा वह लगेगा। तो जो ये चैप्टर है, ठीक है, इतने तक अपना कंप्लीट होंगे जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक है। ओके रजे, बेस्ट ऑफ लक।